हीरो बनाने की कोशिश राहुल गांधी को की जा रही है, जो पूरे देश में लड्डू ला रहे हैं। ये देश की जनता की तरफ से रिजेक्टेड नेताओं को बड़ा बनाने की तक के खेल। ये दरअसल इस मौत के इस विभत्स खेल में कांग्रेस और केजरी के टीम के खेल के क्या मायने, आप क्या देख रहे हैं इसे? मनीष जी, आपने सही कहा कि राहुल को हीरो बनाने की कोशिश हो रही है और केजरीवाल अपने कुकर्मों को छुपाने की कोशिश कर रहा है। और वो जो एक मीडिया का एक वर्ग है, जो बहुत बड़ा वर्ग है, वो इस काम में पूरी तरह से इनका सहयोग कर रहा है। लेकिन मनीष जी, ये चलेगा नहीं। ये हिसाब इस देश को देना पड़ेगा, राहुल गांधी को भी देना पड़ेगा और केजरीवाल को भी देना पड़ेगा। क्योंकि मौतें, लोगों की जो लाशें हैं वो झूठ नहीं बोलती। ये कितने ये पोस्टर इन्होंने आज लगाया है, या वैक्सीन पे कभी सवाल उठाने लगते हैं, कभी किसी बात पे सवाल उठाने लगते हैं। इन सब बातों से कोई अंत होगा इसका, जिस दिन भी कोरोना का हिसाब किताब ये देश करेगा, उस दिन राहुल गांधी और कांग्रेस का चेहरा बड़ा काला नजर आएगा। केजरीवाल तो खैर ऊपर से नीचे तक काला नजर आएगा। उसका भी मैं बताऊंगा, उसका उसका उसके कारनामे से, केजरीवाल ने जो कारनामा पिछले 10 दिनों में किया है, उसके लिए कम से कम 250 मौतों का जिम्मेदार है वो आदमी। सीधे इस पर मुकदमा चलना चाहिए। लेकिन केजरीवाल पर मैं बाद में आता हूं। मनीष जी, आज के जो आंकड़े हैं, देश में 24 घंटे में 4,077 मौतें हुई है, 24 घंटे में कोरोना से। आपको ताजुब होगा, उनमें से 1,519 मौतें कांग्रेस शासित राज्य में हुई है। समझ रहे हैं आप? करीब 37%, बहुत केवल 5 राज्य हैं, केवल 5 राज्य हैं कांग्रेस के। कौन जिम्मेदार है इसका? इसका जिम्मेदार मोदी है या इसका जिम्मेदार बिल्कुल योगी है? ये इनके केवल 5 राज्य, जिनकी आबादी महज 31 करोड़ है, इन 5 राज्यों की आबादी 31 करोड़ है। और तुलनात्मक आपको बता रहा हूं, भाजपा के शासन वाले 17 राज्य, भाजपा उसके गठबंधन के जो हैं, 17 राज्य और 7 यूनियन टेरिटरी, उसमें से जम्मू कश्मीर है, वहां राष्ट्रपति शासन है, तो वो भी एक तरह से भाजपा के ही कोटे में चला जाता है, क्योंकि उन्हीं का शासन है। 17 राज्य और 7 यूनियन टेरिटरी, वहां पे 1,548 मौतें हुई। समझ रहे हैं आप? मतलब 17 राज्य, 7 यूनियन टेरिटरी, इन इन सबकी मिला के आबादी है करीब 65.5 करोड़। इनके कांग्रेस के 5 राज्यों से दोगुनी से ज्यादा, वहां 1,548 मौतें हुई है 24 घंटे में। और ये 31 करोड़, 5 राज्य केवल, इनके यहाँ 1,519 मौतें हुई है, लगभग लगभग बराबर, यानी भाजपा से दोगुनी से ज्यादा बदतर इनकी परफॉर्मेंस है कोरोना के खिलाफ इनके लड़ने के। इनको नंगा कर रहा है बाजार में वो, कि कौन जिम्मेदार है, कौन मौत का खेल खेल रहा है, कौन नकारा है, कौन निकम्मा है। तो ये इस तरह के जो ढूंढ रहे हैं बहाने, इससे इनका काम नहीं चलेगा। अभी इनका पूरा हिसाब देना पड़ेगा। मनीष जी, एक दूसरा आंकड़ा भी है कि आज की तारीख तक, आज सवेरे 8 बजे तक, देश में 2,70,284 मौतें हुई हैं कोरोना से। 2,70,284 मौतें। और कांग्रेस के इन 5 राज्यों की हिस्सेदारी उसमें कितनी मालूम है आपको? 1,14,898, ये करीब करीब 42.5%, यानी आधे आधे के करीब पहुंच रहे हैं। 42.5% इन कांग्रेस के 5 राज्यों की है, जिनकी आबादी 20-21% है पूरे देश में। और उसी जगह जिस मोदी और योगी और भाजपा, तो इनका निशाना तो भाजपा पे है ना, कि उसकी उसकी पर उसकी परफॉर्मेंस ये रही है कि वो करीब करीब जो है, समझिए उनकी आबादी 65.5 करोड़ और वहां 82,000 मौतें हुई है। यानी इनके 5 राज्यों से कम मौतें वहां हुई हैं, और कम नहीं, मतलब कम से कम 50% कम हुई है, 40%। तो ये क्या दर्शा रहा है? इसका मतलब लाशों का खेल ये लोग खेल रहे हैं, ये लाशें गिरा रहे हैं। क्यों नहीं रोक पाए साल भर? ये मोदी से पूछते हैं कि आपने क्या किया, आपने क्या तैयारी की, इनके 5 राज्य क्या कर रहे थे, इनके 5 राज्य क्या कर रहे थे, जहां पे अन्य लोगों की तुलना में दुगनी डेढ़ गुनी ज्यादा लाशें की इन्होंने गिराई है, इनकी क्या तैयारी? और दूसरे, एक जो वैक्सीन के लिए बहुत नाटक कर रहे हैं मनीष, आपको ताजुब होगा, ये वैक्सीन का भी बहाना नहीं बना पाएंगे। क्योंकि आंकड़े आज आज तक के आंकड़े हैं, देश में आज तक करीब 18.5 करोड़, आज शाम को मैं देख रहा था, 18 करोड़ 22 लाख करीब वैक्सीन लग चुकी है आज आज दोपहर दोपहर तक। उसमें से जो सबसे ज्यादा वैक्सीन लगी है
वो कहाँ लगी है? वो महाराष्ट्र में लगी, वो भाजपा शासित प्रदेश नहीं है। 1,99,00,000 वैक्सीन लग चुकी। आप देखिए महाराष्ट्र की आबादी 12.5 करोड़ और उत्तर प्रदेश की आबादी करीब करीब 24 करोड़, और उत्तर प्रदेश में वैक्सीन मिली है 1,01,49,00,000। तो मोदी अगर वो कर रहे होते, भेदभाव कर रहे होते, इनको इनको इनके साथ कोई दुष्टता कर रहे होते, तो महाराष्ट्र जो उत्तर प्रदेश से करीब करीब आधी आबादी समझ लीजिए, वहां 2 करोड़ हो गई वैक्सीन, और अभी उत्तर प्रदेश में 1.5 करोड़ नहीं है, 1,49,00,000 वैक्सीन है। तो इनका तो मुंह बहुत काला, इनको वैक्सीन भी दी गई, इनको ऑक्सीजन भी दी गई, और उसके बाद लाशें इनकी दुगनी, इनकी लाशें दुगनी। अरे आप गौर करिए कि उत्तर प्रदेश में आज की तारीख तक पूरे 13 महीने में आज जो आंकड़ा है वो करीब 17,000 डेथ हुई है कोरोना से 24 करोड़ की आबादी में, और उस महाराष्ट्र जिसकी आबादी 12.5 करोड़ वहां 80,000 डेथ हुई है। ये कांग्रेस गठबंधन का शासन है, ये कांग्रेस गठबंधन का शासन है। राहुल गांधी इसका जवाब दें, पोस्टर किसने लगाया और कौन गिरफ्तार हुआ? इससे लाशें नहीं गिर रही है, अगर गलत पकड़ा गया तो अदालत में उसका फैसला हो जाएगा, लेकिन ये आदमी मर गए, 80,000 आदमी तुम्हारे महाराष्ट्र में मरे हैं, और तुमने क्या किया? तुमको सबसे ज्यादा वैक्सीन दी गई है, और देख तुमको सबसे ज्यादा ऑक्सीजन दी गई है, कि तुम्हारा तो मुंह बड़ा काला है। किस मुंह से ये नरेंद्र मोदी से बात कर रहे हैं? इनको शर्म आनी चाहिए, इनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ये लाशों पर जो राजनीति कर रहे हैं, घिनौनी राजनीति कर रहे हैं, और ऐसी राजनीति से खुलेगी है ये। अभी असल में मनीष जी हम आप बात कर रहे हैं, लेकिन इस देश का मीडिया पर्दा डाल रहा है, वो नाच रहा है इनके इशारों पे, मतलब जैसे ना घुंगरू बांध के इनके नाच रहा है। लेकिन कब तक नाचेगा, कब तक नाचेगा, कब तक छुपाएगा? वो एक बड़ी ऊपर सिखा हुआ था कि पानी का अगर ज्यादा दिन रहता नहीं ऊपर आता है, वो ऊपर तो आ ही रहा है, हमको आपको दिख रहा है वो। ये मीडिया देश की आंखों में धूल झोंक रहा है, लेकिन कब तक झोंकेगा? साफ होंगी आंखें, और राहुल गांधी को इन सब चीजों का जवाब देना चाहिए।